हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं मेगा लवली टेल से आपके सामने फिर से एक नए वीडियो, एक नए ब्लॉग के साथ। हम हैं जर्मनी घूमने आए, यूरोप टूर करने आए हैं। आज है हमारा जर्मनी का एक नया ट्रिप और वो है स्टुटगार्ट के लिए। हम चाहते थे कि लोकल कुछ शॉपिंग का करें आज, लेकिन आज शॉपिंग नहीं हो सकती क्योंकि सारी दुकानें बंद हैं बिकॉज ऑफ फीस्ट। तो यहाँ पर उनका कोई फीस्ट चल रहा है और उसके कारण से सब शॉप्स बंद हैं। ऑलमोस्ट जर्मनी शट डाउन है, लोगों को ऑफ है, ऑफिसेज में ऑफ है और सब घर पर है। तो बस हमने डिसाइड किया कि जाते हैं स्टुटगार्ट और स्टुटगार्ट को एक्सप्लोर करते। तो चलिए अब जाएंगे और देखेंगे स्टुटगार्ट को। गाइस, स्टुटगार्ट जर्मनी के साउथ वेस्ट में सिचुएटेड बाडेन व्यूर्टेम्बर्ग स्टेट का कैपिटल है। ये जर्मनी का 6th लार्जेस्ट सिटी है। इसको क्रेडल ऑफ ऑटोमोबाइल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मर्सिडीज और पोर्शा के ऑटोमोबाइल म्यूजियम्स हैं और उसके साथ साथ काफ़ी सारे ऑटोमोबाइल मैगजीन्स के हेडक्वार्टर्स भी है। गाइस, हमने क्लोन से स्टुटगार्ट पहुँचने के लिए मानहाइम तक ICE 2559 और मानहाइम से स्टुटगार्ट तक ICE 9513 ली। हमें स्टुटगार्ट पहुँचने में टोटल 3 hours 30 minutes लगे। बाहर के नज़ारे में आपको सीनिक ब्यूटी कम दिखेगी, लेकिन बड़े प्यारे से क्लीन रास्ते और स्टेशन दिखाई देंगे। गाइज, हम पहुंच गए अब स्टुटगार्ट और यहाँ पर हमें एक्सप्लोर करने हैं यहाँ के म्यूजियम्स। कार म्यूजियम्स यहाँ के बहुत फेमस है, जैसे मर्सिडीज है, पोर्शे है। लेकिन हम बहुत लेट हो गए, आज सारे ट्रेन्स लेट है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जर्मनी में आज ऑफ है, तो लोग बहुत निकले हैं बाहर घूमने के लिए बैग्स लेकर। तो काफ़ी रश भी था हर ट्रेन में, तो इस कारण से हम स्टुटगार्ट बहुत लेट पहुँचे हैं। तो होप्स हो कि हम ट्राई करने वाले हैं कि हमें म्यूज़ियम अंदर से देखने के पासेस और टिकट्स मिल जाए। अगर समझो नहीं मिला तो मैं आपको बाहर से उसका व्यू दूंगी। हम रुके हमारे बस के लिए यहाँ पर, जो है 40 नंबर की बस जो हमें लेके जाएगी मर्सिडीज म्यूज़ियम के पास। तो बस अब वेट करते हैं बस के लिए और फिर मैं मिलती हूँ आपको फिर से म्यूज़ियम के पास। तो गाइज, जब तक हम हमारी बस का वेट कर रहे हैं तब तक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते कि जर्मनी में आप जो इंटरनल ट्रैवल है, जो सिटी के अंदर का ट्रैवल है, उसके लिए आप कैसे आप प्री प्लान कर सकते हो। क्योंकि जो अगर आप यूरोरेल का पास लेते हो, वो आपके सिर्फ जो ट्रेन्स है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स, उनके लिए ही काम आता है। जो इंटरनल ट्रैवलिंग के लिए आपको हर एक जगह पे उस सिटी की या उस एरिया की टिकट्स लेनी होगी और आपको खुद से ही प्लानिंग करनी होगी कि कैसे तरह से आपको इंटरनल ट्रैवलिंग करनी है। तो अभी इस पीछे मेरे आप देख सकते हो कि स्टुटगार्ट का जो लीनियन नेट्स, यहाँ पे जो बोलते हैं, जो नेटवर्क प्लान है इनका पूरा बस सिस्टम का और ट्राम सिस्टम का और अंडरग्राउंड सिस्टम का, वो पूरा दिया हुआ है। तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अभी देता हूँ मैं। तो गाइज, ये पूरा नेटवर्क प्लान है। ये हर एक बस स्टॉप पर, हर एक रेलवे स्टेशन पर और हर एक ट्राम स्टेशन पर आपको मिल जाएगा। हम ड्रॉप हुए थे यहाँ पर जो मेन स्टेशन है, हाउप्टबहनहॉफ जिसे कहा जाता है। वहाँ से जितनी भी हमारी लाइंस थे वो मर्सिडीज़ के म्यूज़ियम तक नहीं जा रही थी, तो हमने फर्स्ट लाइन ली 40 नंबर की, जो हमें लेकर आई है यहाँ पे वागनब्रुक स्ट्रासे तक। फिर यहाँ से अभी हम वागनब्रुक स्ट्रासे से हम लेंगे 45, जो है ब्लू लाइन, जो हमें लेकर जाएगी यहाँ मर्सिडीज़ बेंस वेल्ट, जहाँ पर लिखा हुआ है वहीं पर मर्सिडीज़ बेंस का म्यूज़ियम भी है। तो इस तरह से आपको खुद से ही प्लानिंग करनी होगी। जो इंटरनल टिकट्स है स्टुटगार्ट की, जो हमने ली अभी, वो हमने ग्रुप टिकट्स ली थी, जो हमें अप टू फाइव पीपल के लिए अराउंड 12.6 यूरोस फॉर द एंटायर डे। इसके अलावा आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि पूरे जो टाइमिंग्स का प्लान रहता है वो भी ये लोग ने दिया हुआ है कि कौन से टाइम पर कौन सी बस निकलेगी। यूजुअली बसेज और ट्राम्स लेट नहीं होती है, पर ट्रेन्स यहाँ पर आजकल काफ़ी लेट होने लगी है। तो इसके लिए आप अराउंड 30 मिनट्स का बफर लेके ही निकलिए, क्योंकि 100% गारंटी है कि आपकी ट्रेन या तो 15 या 20 या 30 मिनट्स तक लेट होगी ही होगी।
गाइस, हम पहुंच गए अब मर्सिडीज बेंज के म्यूजियम के पास। आप देख सकते हो यहाँ पे हवा इतनी जोर से चल रही है, एक फोटो भी नहीं खिंचवा पा रही हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर इतना ह्यूज म्यूजियम है, आप देखिए ऊपर यानी 1+3 यहाँ से मुझे दिख रहा है, 1+3 एंड इट इज़ अ ह्यूज म्यूजियम। और यहाँ के टाइमिंग है मॉर्निंग 9 to evening 5। ऑफकोर्स हम थोड़े से लेट हो गए, लेकिन नो मैटर, हमको देखने मिला है बहुत कुछ अंदर से, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। लेकिन ये है मर्सिडीज बेंज का पूरा परिसर, पूरा उसका एरिया, पूरा उसका कॉरिडोर एंड इट इज़ ह्यूज वन। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। तो आप ज़रूर अगर जर्मनी आते हो तो स्टुटगार्ट आइए, मर्सिडीज बेंज के म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट करिए। और बाकी डिटेल्स अब आगे आप देखिए मर्सिडीज बेंज के वीडियो में। वाओ, बाहर की तरफ है 3 कार, हमें ये भी देखने मिली। अब चलिए देखते हैं अंदर जाकर। गाइज, बैड लक, हमें पहुंचने में लेट हो गया और म्यूजियम बंद मिला। लेकिन अभी यहां पर मर्सिडीज म्यूजियम शॉप ओपन है, तो चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पर मर्सिडीज कार के रेप्लिका, सोविनियर्स, कैप्स, कीचेन्स खरीद सकते हैं आप, और कैफे भी है रिफ्रेशमेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं इसे डिटेल में। हमें काफी मर्सिडीज मॉडल देखने मिले, तो चलिए आप भी देखिए इसे हमारे साथ। 3 फ्लोर का बड़ा सा म्यूजियम है ये, लेकिन अगर आप ऑन टाइम आते हैं तो आपको म्यूजियम में मर्सिडीज की मेकिंग और उसकी हिस्ट्री और उसके टेक्नोलॉजी के डिटेल देखने मिलते हैं, जो हमने आज मिस किए। मर्सिडीज म्यूजियम को विजिट करने के लिए डे के टिकट्स के रेट से 16 यूरोज पर पर्सन, इवनिंग टिकट्स के रेट से 8 यूरोज पर पर्सन। डे टिकट्स के टाइमिंग्स है 9 AM to 4:30 PM और इवनिंग टिकट्स के टाइमिंग्स है 4:30 to 6:30 PM। लेकिन गाइज, आपको एंट्री यहाँ पर 5 PM तक ही मिलती है, 5 PM के बाद यहाँ की एंट्री बंद हो जाती है। आपको एक बात मैं बता दूँ, हम पहुँचे थे 5:05 पर और हमें एंट्री नहीं मिली म्यूजियम को देखने की। देखिए यहाँ पर लिखी है मर्सिडीज बेंज के डिजाइनिंग की फिलोसॉफी, तो चलिए इसे देखते हैं। पोर्शी म्यूजियम को भी हमने मिस किया, लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो पोर्शी म्यूजियम के डे टाइमिंग्स है 10 AM to 4 PM, इवनिंग टाइमिंग्स है 4 PM to 6 PM और मॉर्निंग टाइमिंग्स है 9 AM to 10 AM। और यहाँ के जो टिकट रेट्स है वो है डे टिकट्स 12 यूरोज पर पर्सन, इवनिंग टिकट्स है 6 यूरोज पर पर्सन और मॉर्निंग टिकट्स है 6 यूरो पर पर्सन।
गाइस, मर्सिडीज म्यूजियम से हमने 45 नंबर की बस ली और पहुंचे बाड़ कैनस्टार्ट स्टेशन। वहां से हमने एसबान नंबर 3 ली और पहुंचे स्टुटगार्ट मेन स्टेशन। स्टुटगार्ट मेन स्टेशन से हमने यूबान नंबर 7 ली और हम पहुंचे स्टुटगार्ट टीवी टार। वाओ, देखिए सुंदर घरों का नजारा। हम पहुंच गए स्टुटगार्ट के टीवी टार के पास और यहाँ पर अब ऊपर जाके आपको मैं देने वाली हूँ व्यू। यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू ऑल ओवर यूरोप का मिलता है। सो ये काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जितने टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो इसको ज़रूर विजिट करते। तो चलिए जाके देखते हैं कि ऊपर हमें कैसा व्यू मिलता है और क्या फीलिंग आती है। गाइस देखिए, ये बाहर से व्यू है। सो ये हाइट है यहाँ इसका और वहाँ ऊपर हम जाने वाले अब। सो लेंगे टिकट और फिर जाएंगे ऊपर एंट्री के लिए टिकट्स लेने का काउंटर। ये है 10 यूरोस 50 सेंट की टिकट हमारी। सो हमने 3 जन की टिकट बाई की है, अब जाएंगे ऊपर क्यू में। सो गाइज, हम स्टुटगार्ट के टीवी टार को देखने आए और यहाँ से इसकी एंट्री है। तो चलिए देखते हैं ऊपर जाके, वहाँ से हमें पूरा व्यू मिलने वाला है। यहाँ पर है कुछ स्पेशल इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन जो इस जगह पर सेलिब्रेट होते हैं। चलिए अब लेते हैं लिफ्ट। ये है हाई स्पीड लिफ्ट और हमें पहुंचना है 150 मीटर हाइट पर व्यू देखने के लिए। गाइस, बाहर आने के बाद इतनी जोर से हवा लगी है, आप देखिए ऐसे लग रहा है कि हम उड़ रहे हैं। और यहाँ से एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आपको देखने मिलता है और पूरी तरह से कान बंद हो गए मेरे। एक्चुअली जो हाई स्पीड लिफ्ट है 150th फ्लोर विद इन सेकेंड्स ऊपर लेके आती है और वही चीज़ यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। यहाँ पर आपको पूरा व्यू पीछे से देखने मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर आप जर्मनी आते हो तो स्टुटगार्ट ज़रूर विजिट करिए। पोर्शे का शोरूम म्यूज़ियम और मर्सिडीज़ का शोरूम म्यूज़ियम और उसके साथ साथ ये व्यू आपको करना ही करना है। ये टीवी टार आप ज़रूर करिए और बहुत ही ब्यूटीफुल है, आई कैंट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। लेकिन येस, डेफिनेटली यू शुड कम हियर एंड विजिट दिस प्लेस, इट्स ऑसम। अब मैं आपको दूंगी यहाँ का व्यू। सो गाइस, ये जो व्यू पॉइंट है टीवी टावर का, यहाँ से आपको पूरी स्टुटगार्ट सिटी, उसके साथ साथ करीब करीब वियना और पोलैंड वॉर्सो तक का व्यू देखने को मिल सकता है अगर आसमान साफ हुआ तो। अभी देखते हैं इस पूरा व्यू को। गाइस देखिए, यहाँ पर जो गैलरी उन्होंने दी है वो 2 स्टेप्स में है। जो नीचे की गैलरी, वहाँ पे बहुत जोर की हवा है और वहाँ पर बीच में रॉड आते हैं, व्यू थोड़ा इतना क्लियर नहीं है। तो हम ऊपर के गैलरी में आए जहाँ से आपको पूरे पूरे यूरोप का
मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कहाँ कहाँ के व्यूज़ यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। सो एक फुल्ली राउंड लेके हम आपको सारा व्यू देंगे। सो गाइज अभी हम साउथ ईस्ट कॉर्नर पे हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो इन्होंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ तक का व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रिया वियना जो 550 किलोमीटर है यहाँ से, वो भी अगर क्लियर स्काइज रहेंगे तो आपको व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए डिटेल में कौन से डायरेक्शन में कौन से यूरोप की कंट्री, सिटी या स्टेट नजर आएगी वो लिखा है, तो चलिए इसे देखते हैं। Gonna do, never regret all the time that you and I've spent. Need a can of chocolate on my boy, or not a one. Everything about you is making me say, knowing that I'm priceless, girl, you are my treasure. I want you every single night. यहाँ पर टेलीस्कोप भी लगा हुआ है जहाँ से आप और भी दूर का व्यू ले सकते हो। उसके लिए आपको 2 यूरोज या 1 यूरो डालना होगा ताकि आप आगे का व्यू ले सको। लेकिन यहाँ से ऑलरेडी बहुत ही सुंदर आज एकदम स्काई क्लियर है, तो काफ़ी अच्छा सुंदर व्यू आपको हर कंट्री का, यूरोप का देखने मिलेगा। टीवी टार देखकर हम निकले अब स्टेशन की तरफ यूबान नंबर 7 लेकर। गाइस स्टुटगार्ट काफ़ी सुंदर और वेरी वेल प्लान्ड सिटी है, और देखिए ये यहाँ के स्ट्रीट का नज़ारा जो मैं आपको दे रही हूँ मेरे बस से, तो चलिए आप मेरे साथ साथ एंजॉय करिए इसे। Got my life looking hella fly. That mommy pure and dill, never regret all the time that you and I've spent. Need a can of chocolate on my boy, or not a one. Everything about you is making me say, knowing that I'm priceless, girl, you are my treasure. I want you every single night. Oh, every yeah.
फाइनली बज गए हैं रात के 8। आप देख सकते हो कितना उजाला है यहाँ पर 8 बजे भी, क्योंकि हम आए हैं मई के महीने में, ऑलमोस्ट जून फर्स्ट वीक स्टार्ट हो गया है। यहाँ से लेंगे हम ट्रेन और जाएंगे हमारे होटल पर। सो गाइज, ये था आज का स्टुटगार्ट का मेरा व्लॉग वीडियो। मैंने कोशिश की आपको बहुत सारी जगह दिखाने के लिए। तो आपको मेरे इस तरह के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। फिर मिलूंगे एक नए वीडियो एक नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।